अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से आप किसी का प्राइवेट अकाउंट जो है वो देख सकते हैं या नहीं देख सकते। पहली बात तो यह है कि आप किसी का भी प्राइवेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता है वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो अपना जो प्राइवेसी उसने रखी है तो किसी मकसद के लिए रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसकी जो है प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी और आप किसी का प्राइवेट अकाउंट शो करके उसकी पिक्चर्स देखना शुरू कर देंगे। तो ये एक बेबुनियाद चीज़ बनी हुई है, ये जो इतने इन्होंने डाले हुए हैं कि जिस पर ये लिखा हुआ है कि जी आप अपना किसी का भी प्राइवेट अकाउंट किस तरह से जो है आप शो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, ये देखें, ये जिस तरह से अभी इसने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप सर्च करें आके तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। देखिए 3 मिलियन इसके फॉलोअर, इसके व्यूज़ आए हैं, 2.1 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं, 49 के इसके व्यूज़ आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जिसकी वीडियो है, जिसने ये मेथड शेयर किया हुआ है जिसमें 3 मिलियन इसके व्यूज़ आए हुए हैं, 3 मिलियन व्यू आए हुए हैं। इसने नीचे लिंक भी दिया हुआ है कि ये देखें, ये बता रहा है कि यहाँ से इसको कैसे जो है कि किसी का प्राइवेट अकाउंट अनलॉक किया जाता है। तो ये नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद ये इसने लिंक दिया हुआ है कि जिस लिंक पे जो है ये वर्किंग होती है। इस लिंक पे मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ कि ये होती भी है या नहीं होती। अभी यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा, यूज़र नेम डालने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को जो है प्रमोट करते हैं और कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर जो भी आता है, ये जो नीचे चल रही है, ये सारा फेक चल रहा होता है कि इसने अनलॉक किया प्राइवेट अकाउंट, इसने अनलॉक किया, किसी ने कुछ भी नहीं। ये मेरा यूज़र नेम है, ये देखिए मैं कनेक्ट पे आता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दिस अकाउंट इज़ प्राइवेट। ठीक है, कंफर्म करते हैं। आगे इस आगे के ऑप्शन देता है, आगे ये ऑप्शन दे रहा है अनलॉक अकाउंट और शो फोटोज़। शो फोटोज़ पे चले जाते हैं, आगे ये कहता है जी श्योर गो एड, 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो चले हम कर लेते हैं कि कितना टाइम लेता है। अभी ये कनेक्ट हो रहा है और ये इस पर जो है प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसने प्रोसेसिंग कर रहा है। आगे अभी देखिएगा 5 मिनट जो है ये कितनी जल्दी जो है इसको कर रहा है। देखिए 1 2 3, अब 5 मिनट ना इसका कुछ भी नहीं, अभी तक 1 मिनट भी नहीं हुआ और इसने 5 मिनट जो है इसने बता दिया कि 5 मिनट और हो गए। अभी आपको फर्दर आगे और लेके जाएगा, अभी नया टैब ओपन होगा। अभी देखिए वेरीफाई नाउ, वेरीफाई नाउ पे आने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज से शो हो जाएगा जिस पे इनकी एडवर्टाइजमेंट है। आप जो भी क्लिक करेंगे, अभी कंफर्म टू कंप्लीट है। अब जितनी दफ़ा भी कंप्लीट क्लिक करेंगे, इससे एक ही वेबसाइट ओपन होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचें कि आप किसी का भी अकाउंट जो है ओपन करके देख लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता, अगर इस तरह से हो तो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइवेसी लीक होना शुरू हो जाएगी, तो कोई भी जो है इस पर आकर अपना अकाउंट नहीं बनाएगा। अभी जितने भी लिंक पर क्लिक किया है, देखें इस पर साइट ही ओपन नहीं हो रही इनकी। इन्होंने जितने भी दिए हैं सारे इन्होंने जो है वो दिए हुए हैं फेक लिंक्स दिए हुए हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक दिया हुआ है जो एक इससे उठा के दूसरी वेबसाइट पे आपको ले देगी। कुछ भी नहीं होता। और आपको मैं एंड पे मज़े की चीज़ बताता हूँ कि जो अकाउंट मैंने यहाँ पर डाला था, अपना अकाउंट जो मैंने यहाँ पर डाला है, मेरा अकाउंट प्राइवेट है ही नहीं। मैंने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट रखा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा जो अकाउंट है ये प्राइवेट है ही नहीं। ये देखें, ये ओपन अकाउंट है, ये अकाउंट ओपन है, यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं लगी हुई, ये अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। अगर आप लोग कहते हैं तो ये यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट करके डाल देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पेस्ट किया, अभी चेक करिए ये यहाँ पर कह रहा है कि दिस अकाउंट इज़ प्राइवेट, हालाँकि ये अकाउंट प्राइवेट ही नहीं है। यहाँ से मैंने लॉगिन भी नहीं किया हुआ, ये अकाउंट यहाँ पर आपके सामने ओपन अकाउंट है, ये इस पर कोई जो है प्राइवेसी नहीं लगी हुई, किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं लगी हुई। सिर्फ आपसे झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने व्यूज़ लेने के लिए कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे। आप लोग अपना ना टाइम वेस्ट करें, डाटा वेस्ट करें इसके ऊपर। हाँ, अगर आप किसी की DP देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर किसी की DP फुल साइज़ में देखें, तो वो है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होती है। वो आपने सिंपली जाके यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम, लिखने के बाद आपने लिखना है DP। व्यूअर लिखेंगे आप तो यहाँ पे जो है आपके पास आ जाएगा, आ जाएगी वेबसाइट इंस्टा DP। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ये यूज़र नेम अपना मैं डाल देता हूँ। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले का अकाउंट प्राइवेट है, ओपन है, जैसा भी अकाउंट है। आपने बस ये कॉपी करनी है, इसका यूज़र नेम कॉपी करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद जैसे ही ये वेबसाइट फुली लोड हो जाएगी आपने यहाँ पर इंटर करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो इस पर मतलब कि इसके ऊपर ना एड्स बहुत लगे हुए हैं, तो जैसे ये हैवी वेबसाइट है तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो जैसे ही ये लोड होगी आपने यहाँ पर अपना ये जो चेक सिक्योरिटी है ये क्लिक करनी है। यहाँ पे ये सिंपली चेक सिक्योरिटी पे आ गया। अभी ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेन अ ट्रेन। अब यहाँ पर एक ट्रेन ये आ गई हमारे पास, एक ये आ गई। नेक्स्ट कर देते हैं। अभी ये हमसे क्या कह रहे हैं, ट्रेन कहीं कह रहे हैं, ये है ट्रेन, ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, दैट्स इट। अभी ह्यूमन वेरिफिकेशन हो गई है हमारी। अभी जैसे ह्यूमन वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे सामने ऊपर जो है NDP शो कर देगा। आपने फुल साइज़ करना है, फुल साइज़ में आपको ये देखें DP पूरी फुल साइज़ में दिखा देगा। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव इमेज एज करके इसको आप जो है सेव भी कर सकते हैं, इसमें इतना कोई नहीं है। हाँ, इस पे भी जो फेक चीज़ है वो ये है कि आप स्टोरीज हैं तो ये आप स्टोरीज़ किसी की नहीं दे सकते, चाहे वो अकाउंट प्राइवेट हो। ओपन हो तो आप इजीली देख सकते हैं, तो मेरा तो अकाउंट तो ओपन है इसलिए ये यहाँ पर शो हो रही है, किसी की प्राइवेट अकाउंट की यहाँ पर शो नहीं होती। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।